फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आए हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से फुल्ली डिस्कस करने वाला हूँ कि कुछ दिन से 500 करके जनधन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और बहुत सारे लोगों का क्रेडिट हो गया और उठा भी लिया। तो देखिए, अगर आपको जनधन अकाउंट नहीं है या आपका जनधन अकाउंट था लेकिन आपको 500 करके क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि जिसका जनधन अकाउंट है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, और जिसके मतलब जनधन अकाउंट है ही नहीं वो कैसे जनधन अकाउंट को बना सकते हैं, तो इस विषय में मैं इस वीडियो में फुल्ली डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जनधन अकाउंट बनाने के लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं कर पाएंगे लेकिन ऑनलाइन से कुछ काम करके आप बैंक में जाएंगे तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चैनल है शॉर्ट गन गेमिंग, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पबजी या फ्री फायर गेम खेलते हो तो उसमें आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेगा। नया चैनल है और शुरू किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स उसमें बताया जाते हैं और अच्छी अच्छी गेम खेल के उसमें अपलोड किया जाता है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कम है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करते रहूंगा। तो चलिए आज का जो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में आपको आना होगा, तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो। तो देखिए, इसमें आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें कितना लोगों को पैसा दिया गया है और कितना रुपया दिया गया है, सब कुछ इसमें डिटेल्स है। आप देख सकते हैं 38.08 करोड़ बेनिफिशियरी को, मतलब 38 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया है, और कितना पैसा दिया गया आप देख सकते हो करोड़ों में है। तो देखिए, इसमें आने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स में आप जाइए, फिर देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हिंदी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश। तो देखिए, हम लोग इंग्लिश को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस टाइप का फॉर्म निकल के आता है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी का भी फॉर्म निकल सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है अच्छी तरह से। तो देखिए, इसमें सब कुछ डिटेल्स है आपका, जो भी बैंक में आप जाएंगे, आपका नज़दीक में जो भी बैंक रहेगा उसी बैंक का नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए, फिर आपका नेम दीजिए, एड्रेस दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, रेशन कार्ड अगर है तो रेशन कार्ड नंबर, फिर एनरेगा का कार्ड है तो यानी जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड नंबर, तो सब कुछ फिलअप करके आपको नियरेस्ट बैंक जाना होगा। तो देखिए, बैंक जाते टाइम आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, रेशन कार्ड, अगर जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड भी आप ले जा सकते हैं। तो इस फॉर्म को जब ले जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करके जब इसके साथ आप जमा कर देंगे, और बैंक का भी एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप जमा करेंगे तो आपके नाम पर जनधन अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए, जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आएगा जनधन अकाउंट में ही आता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको जो भी फैसिलिटीज़ मिलेगा आपको ज़रूर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जनधन अकाउंट आपको बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट होता है तो आप जनधन अकाउंट का बना के रखिए, तो आपको बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलने वाला। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो की इतना टाइम तक देखा इसलिए थैंक यू। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।